एक बार फिर रुक कर लेते हैं साहिबगंज की ओर। साहिबगंज में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इस कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ते देखकर दियारा वासी अब धीरे धीरे आशियाने को छोड़कर शहर के सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि साहिबगंज सदर प्रखंड ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अलावा तालझारी राजमहल उधवा प्रखंड क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि मुसीबत के समय अभी तक सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई भी सहायता नहीं मिली है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री चलाने का निर्देश दिया है। जोर से बोलिएगा, ठीक ना? घर कहाँ हुआ? गरम टोला। गरम टोला, बाढ़ आया है आपके क्षेत्र में? हाँ। बाढ़ से क्या क्या परेशानी हो रहा? गोरु खाने के नहीं है, बाल बच्चा खाने के नहीं, पेट में है, कहाँ है, पानी मिल रहा है, तो फिर नाव करे तो नाव में आए हैं साहेब आए हैं। कुछ खाने पीने के चाहिए व्यवस्था के? हम लोग को बहुत दिक्कत है। जिला प्रशासन के द्वारा कुछ बेनिफिट मिला, कुछ सूत्र मिला सुविधा अभी तक? कुछ नहीं मिला, कुछ सुविधा नहीं मिला है। खाने पीने कुछ अभी तक नहीं मिला? हम लोग को भी संपर्क चर्चे ना है, अभी तीन चार दिन से इतना पानी में सिरे है। तो जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग जिला प्रशासन चाहते हैं गाय माल को चारा मिलना चाहिए। क्या परेशानी आपको बाढ़ में हो रही है? सर हम लोग बाढ़ में माल में परेशानी हो रहा है, आ गोरु माल का आदमी मनवा के घर में पानी में कुछ वो अभी तक सरकार के कोई देखने भी नहीं गया, देखने भी नहीं गया, नहीं गया है ना, फसल सब डूब गया। आदमी मैंने कैसे अपना जान बचाता है, वो जनता है, वो किसान ही जनता है। मवेशी लोग का क्या हाल है? मवेशी लोग हाल सर हम लोग खाने पीने का नहीं, पानी घुमा फिर सड़क तड़क वही पर रखता है। अच्छा, अभी जैसे कि डीसी साहब लोग आए हुए, कुछ आप लोगों को कुछ मिला है, सहानुभूति मिला है कि कुछ आश्वासन वगैरह? कुछ नहीं मिला है। जिला प्रशासन लगातार बोल रही है कि आप लोगों को सुविधा के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, कुछ सुविधा नहीं दी गई। राहत सामग्री वगैरह कुछ मिला है तक? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। ये जिले में बाढ़ की त्रासदी जो बढ़ चुकी है, तो सरकार अब क्या कुछ कर रही है? देखिए आज जो है साहब में जाने के पश्चात मुझे जानकारी मिला, कल भी अखबारों में लिखे थे और इस बार लगता है कि मुझे जब भी हम देखे हैं सितंबर में नहीं बाढ़ आते, इस बार अगस्त महीने में आ गया। अभी हम जो है डीसी को बुलाए हैं अभी, और जो राहत कार्य साहिबगंज प्रखंड के कुछ गांव जो है गंगा नदी का पानी के उफान के कारण जो गांव ऐसा गांव को चिन्हित करके जहाँ पर चूल्हा वूल्हा नहीं जलता है वहाँ का राशन पानी पहुँचाया जाए, जहाँ आवरण बाधित हो गया पानी के चलते वहाँ नाव देने की व्यवस्था की। सबसे बड़े असर के जो नाव है अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, जो आवागमन की सुविधा है लास्ट ईयर जो 19 में हुआ था उसका पेमेंट नहीं मिल रहा, अब तो कुछ तकनीकी बताएं, लेकिन परेशानियां तो सर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको झेलनी पड़ रही है, तो तत्काल क्या कुछ हो सकता है? तत्काल हमने कहा कि जहां पर आवागमन बाधित है वहां पर जल्द से जल्द आवागमन की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था किया जाए। जिन गाँवों में पानी 24 घंटा से ऊपर घुसा हुआ है, पानी निकालने की कोई रास्ता नहीं है, उनके लोगों को राशन पानी सूखा खाद खाद्य वस्तु देने के काम करें, ये हम अभी किसी को बुलाएं, किसी को बोलकर हम काम करेंगे।